subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. अब मुझे तुम पे एतमाद नहीं है सुहेब, बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी में ठहरा हुआ है। कहाँ आया ठहराओ? तुम्हारे आने की वजह से मेरी जिंदगी में कोहराम मच गया है। हाँ, तुम्हारी खुशगवार शादीशुदा जिंदगी में मेरी वजह से दखल अंदाजी हुई है। मेरी शादीशुदा जिंदगी कभी खुशगवार नहीं थी। मैंने रोमा को इतना प्यार ही नहीं किया जितना मैं तुम्हें करता था और करता हूं। फिर क्यों शादी की तुमने रोमा से? क्यों तलाक दी तुमने मुझे? यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं तुम्हारे पास से यहां आया तो बसीर अंकल का बेटा और रोमा का भाई दोनों कार के हादसे में हलाक हो चुके थे। हारून और वासिफ ही ना रहे तो मैं उनके घर वालों को अपना कैसे कह सकता था? एक घर जिसके अंदर मौत हुई है, उनको मैं कैसे कहता कि मेरी बारात लेकर जाएं? मैंने ठीक नहीं समझा। इसीलिए कुल के बाद मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। मैं सामान बांध ही रहा था कि जा रहे हो जोहे? हाँ, मेरे यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है। हारून और वासिफ के दम से तुम्हें याद था, अब वो नहीं रहे तो उनके खानदान पे मेरा क्या हक है? उन पर तो तुम्हारा हक था, लेकिन क्या ये बात तुमने कभी महसूस नहीं की कि मेरा भी तुम पर कुछ हक है? क्या मतलब? जोहेब, तुम्हें मेरा जरा भी एहसास नहीं है, मेरे जज्बों का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? तुम्हारे जज्बे? जोहेब, तुम अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो या तुम्हें वाकई मालूम नहीं कि क्या कहना चाह रही हो? जोहेब, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रोमा ने अपने प्यार का इजहार अपने मुंह से कर दिया। मैं इस फैमिली के एहसानों तले इतना दबा हुआ था कि मैं चाहते हुए भी रोमा को ये ना कह सका कि मुझे उससे प्यार नहीं है, ये उसका ये तरफा मोहब्बत है। सुना, मैं रोमा से मोहब्बत नहीं करता, समझौता है। बसीर अंकल और अजरा आंटी यही समझते हैं कि मैं रोमा को चाहता हूं, बस जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे जाने ना दिया, अपना बेटा बना लिया और एक सादा सी तकरीब में रोमा से मेरी मांगनी कर दी। अगर ऐसा हुआ भी था तो तुमने मुझे तलाक क्यों भेजी? मैंने 2 माह तक सोचा और फिर इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकता, इसलिए मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया और तुम्हें तलाक भेज दी। हेलो एवरीबॉडी। रोमा, वो मैं जोरा जी से पूछ रहा था कि घर वाले कहाँ हैं। रोमा, वो तुम्हारा इंतजार करके फिर एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट? ओ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। जेबू, मुझे प्लीज एयरपोर्ट छोड़ दो। हाँ, नहीं नहीं, आंटी कह के गई कि यहाँ ही रुकना, वो आ जाएंगी वापस। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं जरा कमरे से होके आती हूँ। ठीक है।
अच्छा तो ये घर है तुम्हारा? जी सर, मैं यहाँ रहती हूँ। सर आए ना, एक कप चाय पी लें। नहीं अभी नहीं, फिर कभी। तकल्लुफ वाली बात नहीं, आऊंगा तो खुद कह के चाय पी लूंगा। थैंक यू सर। यू वेलकम। जीती रहो बेटा, ये आज ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गई? मियाँ सर में बहुत दर्द था, फिर बॉस भी जल्दी जा रहे थे, मैंने सोचा घर जाके कुछ आराम कर लूँ। ये सर में दर्द कैसे हो गया? तो नहीं, डिप्रेशन सा हो रहा है। वही बाप वाली बात जी। अच्छा कुछ नहीं, तुम जाओ सर के दर्द की गोली खाओ और सो जाओ। मैं भी यही सोच रही हूँ। कराची काफी चेंज हो गया। ओफो, अभी एक साल हुआ है तुम्हें अमेरिका गए हुए और अपना मुल्क ही भूल गए। अच्छा ये बताइए कि आप आराम से यहाँ बैठेंगे या अपने कमरे में जाएंगे या पहले कॉफी पिएंगे? भाई मुझे तो अच्छी सी कॉफी पिलवाओ, अभी मेरा कमरे में जाने का कोई मूड नहीं। अरे आप तो खाम खाम ने कॉफी का पूछ रही हैं, कहाँ से कहाँ वो सफर करके आई हैं, 20-22 घंटे का सफर, जेट लैग ही है वो। अल्लाह अल्लाह, मुझे कोई इतना सफर करने को कहे तो तौबा। और हाँ बसीर भाई, अपनी वाइफ से तो मिलवाइए, कहाँ है वो? भाई पहले तो मैं चेंज करूंगा, उसके बाद कुछ चाय कॉफी पीऊंगा। चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखा दूं। चलो गुड, ले भैया। ओके ओके ओके। अच्छा मैं जोरा को बुला कर लाता हूँ, है ना? और बस ठीक ठाक। सफर तो अच्छा रहा ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहा सफर।